की आंखें दिखाया, जिस तरफ नजर जा रही थी उस तरफ लोगों का हजूम था। चश्मे फलक ने भी वो नजारा नहीं देखा होगा डस्के की सड़कों पे, जो डस्के के नौजवानों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया। इसके बाद अली असद मल्ली साहब आपसे बात करेंगे। मेरे इस्तीफे का बड़ा जिक्र किया गया, मैं ये आपके सामने आज सवाल रख के जा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन से नोटिस के बाद मेरे पास दो ही रास्ते थे, एक उस नोटिस की आड़ में मैं सियालकोट वापस चला जाता, अपने भाई अली असद मल्ली को कहता यार मैनू के इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया, मैं जा रहा सियालकोट या इस्लामाबाद। दूसरा फैसला या दूसरा रास्ता था दसका के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर के साथ मिलकर इस माफिया का मुकाबला करना, और उस्मान डार ने फैसला किया कि वह दसका के अजीम लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर के साथ मिलकर इस माफिया का मुकाबला करेगा। और यही आज सवाल पूछता हूं मैं डस्के वालों से। डस्के वालों आपके पास भी दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता बल्ले पे मोर लगाकर तालीम सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर डस्के का सीवरेज सिस्टम हेल्थ पुलिस आपका गैस बिजली की डेवलपमेंट, एक रास्ता आपको उस तरफ लेके जाता है बल्ले पे मोर लगा के, दूसरा रास्ता पाउडर पे ठप्पा है पाउडर पे, वो रास्ता पाउडर की तरफ लेके जाएगा, वो रास्ता कमीशन हॉली की तरफ लेके जाएगा, वो रास्ता उनका है जो कहते हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लोगों ने फैसला करना डस्के वालों, आप लोगों को बेहतर पाकिस्तान चाहिए अपने बच्चों के लिए, इमरान खान को मजबूत करना होगा आपने। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरा भाई असद मल्ली आपके वोट की ताकत से कामयाब होकर किसी कब्जा माफिया की सरपरस्ती नहीं करेगा। अली असद मल्ली किसी ड्रग्स माफिया की सरपरस्ती नहीं करेगा, अली असद मल्ली किसी जुआ माफिया की सरपरस्ती नहीं करेगा। मेरे इस भाई पर अपोजिशन वालों ने एक करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। आपको ऐसा सियासतदान चाहिए जो खिदमत करे डस्के की या मॉल बनाने में लग जाए, बताओ हाथ उठाकर, खिदमत वाला अली असद मल्ली चाहिए, हाथ उठाकर बताओ डस्के वालों। 19 फरवरी को बल्ले पे मोर लगाओगे, 19 फरवरी को बल्ले पे मोर लगाओगे। मैं अपनी बात अपने लीडर अपने वजीर आजम की इस बात पे खत्म करूंगा। मेरा लीडर कहते हैं अल्लाह ने इंसान के हाथ में नियत और कोशिश दी है कामयाबी वो देते हैं। डस्के वाला उठो, इंशाल्लाह तेरा कामयाबी आपका मुकद्दर है। इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे बुजुर्गों दोस्तों साथियों नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। मेरे को अल्फाज नहीं है कि मैं ताड़ा शुक्रिया किस तरह करा। जिन्ना प्यार तुसी आज दिता है, जिन्नी शफकत इज्जत तुसी दिती है, मैं सारी उम्र भी ताड़ी खिदमत करा ना तो मैं तारा देना नहीं दे सकता जिन्नी तुसी मेहरबानी की।
दोस्तों मैं खारा बरादरान का बड़ा मशहूर हाँ, उन्होंने आज एक शानदार कठ का जलसे का एसजीम जलसे का मेजबानी की थी, तानू सारे ने दावत दी थी। दार बरादरान का जेड़े सियाल कोटों साड़ी रैली बनाई ते मेरे ख्याल ना डस्के की तारीफ थी, एक शानदार रैली जेड़ी है वो डस्का शहर च कटी। मैं अपने दोस्तों नाल गल कर रहा सा कि असी अगर फवारे चौक से जी अज अपना स्टेज ला लेंगे ते मरियम नवाज को सारा जलसा तीन गुना वड्डा होना सी, तीन गुना वड्डा। दोस्तों आखिरी मेरी तकरीर की वारी आती है, कहने को बड़ा कुछ होंगे मगर अगे फिर एक जलसा तैयार है। सतारा तारीख वास्ते तैयार हो, फुहारे चौक आन वास्ते तैयार हो, सतारा नू फिर उत्थे मजमा लगना वे, उत्थे आवाज आनी है। गली गली में शोर है, गुजरा वाला से भी रैली लेके आई, लाहौर से भी लेके आई, सियालकोट से आई, समड़ियाल से आई, पसरूर से आई और आपने इनकी जलसी देख ली थी। अब इंशाल्लाह 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 मीडिया वालों हम आपको दावत देते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह 17 तारीख को जिधर मरियम सफदर जलसा करके गई है वहीं पे हम जलसा करेंगे और आप देखेंगे कि जलसा क्या होता है, इमरान खान के कारकुन क्या होते हैं। सारा नंबर चोर एक ही पूछनी फिर दिए डस्के आगे कि अंडे किस तरह किलो ने, गोभी किस तरह गाजे डस्का।